सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2C। वैसे जो हर चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है, उस लास्ट एक्सरसाइज में उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करके एक MCQ टाइप में एक एक्सरसाइज बनाई गई है। तो इसमें बेसिकली 2C के अंदर जो 2A और 2B के अंदर हमने जो स्टडी किया है उसी का रिविज़न है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर -3 इज, मीन्स इसकी वैल्यू पूछिए आप। कैसे फाइंड आउट करोगे? इजी है, पावर माइनस में पहले प्लस में करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे 3/2 और पावर अब प्लस में हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, 3/2 को कितने टाइम लिखना है? 3 टाइम्स। तो लिखो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। सो द फाइनल आंसर विल बी 3 3 जे 9, 9 3 जे 27 अपॉन 2 2 जे 4, 4 2 जे 8, 27/8 विल बी द आंसर। So the question number 1 is saying that what is the value of 2/5 - -3 is, 2/5 - -3 की वैल्यू कितनी है? देखो तो माइनस में पावर है, तो पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे अंदर वाले नंबर को। इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर, तो बेस को रेसिप्रोकल कर दो, पावर अब प्लस में हो जाएगी। अब क्या करना है, 5/2 को 3 टाइम लिखना है, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। सो द फाइनल आंसर विल बी 5 5 जे 25 और 25 5 जे 125 अपॉन 2 2 जे 4, 4 2 जे 8। सो 125/8 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ -3 टू द पावर -4 इज, इसकी वैल्यू पूछी है। आप इस पावर माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए अंदर वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, बट इसके अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो इसके अपॉन में क्या कंसिडर कर लेंगे? 1, दैट्स ऑल। तो इस तरह एक क्वेश्चन हो गया। तो क्या करना चाहिए, अब इसके माइनस को पहले प्लस में कन्वर्ट करने के लिए पावर को इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/-3 टू द पावर हो जाएगी +4। अब 1/-3 को 4 टाइम लिखना, 1/-3 मल्टीप्लाइड बाई 1/-3 मल्टीप्लाइड बाई 1/-3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/-3, 1 2 3 4 टाइम्स। सो द फाइनल आंसर विल बी 1, ऊपर तो सबको 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आंसर आएगा। 3 3 जे 9, 9 3 जे 27, 27 3 जे 81। और साइन क्या, देखो साइन कितना, नेगेटिव साइन कितने हैं, 1 2 3 4। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस ओड है तो माइनस में आएगा। या 1 2 3 4, 4 इज इवन नंबर, सो द आंसर इज +81। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/81, प्लस नहीं भी लिखो तब भी चलेगा। सो द 1/81 विल बी द फाइनल आंसर। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम है, नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 to the power -5 डिवाइड बाई 2 to the power -2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा? देखो माइनस में पावर है, तो अभी जब जैसे पहला क्वेश्चन किया था इसके अपॉन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 कंसिडर किया था पहले, यहाँ पर भी इन दोनों का अपॉन में 1 कंसिडर करो, क्योंकि इन दोनों को रेसिप्रोकल लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो द सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, सो 2/1 - -5 डिवाइड बाई 2/1 - -2। सो इसको रेसिप्रोकल किया तो 1/2 - -5 +5 हो जाएगा, और डिवाइड का डिवाइड एज इट इज, और इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, सो 1/2 - +2। अब क्या करेंगे, डिवीजन को कैसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बनाते हैं और उसके आगे वाली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। सो सॉल्यूशन विल बी 1/2
टू द पावर 5, डिवीजन को बना दिया मैंने मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल, सो 2/1 to the power 2। ये रेसिप्रोकल क्यों हुआ? डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाने का। और यहाँ रेसिप्रोकल क्यों हुआ? माइनस पावर को, यहाँ से यहाँ रेसिप्रोकल क्यों हुआ? क्योंकि माइनस को प्लस बनाने का। दोनों का अलग अलग सेपरेट रीजन है। सो नाउ 1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3, 4 and 5। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड 2/1 को 2 times, 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1। कुछ कैंसिल हो रहा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, दैट्स ऑल। अब ऊपर सारे 1 ही है, या ऊपर कुछ नहीं है, 1 टाइम ही कैंसिल हुआ, सारे 1 है, ऊपर 1 और नीचे 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 8 ही आंसर आएगा। सो 1/8 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव इज सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ 3 to the power -1, 3 to the power -1 प्लस 4 to the power -1 ब्रैकेट क्लोज पावर इनवर्स -1 डिवाइड बाय 5 to the power -1। इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, स्टार बना देते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? देखो, पहले तो पावर माइनस में है तो इसको प्लस में बनाएंगे, इस पावर को भी माइनस में प्लस में बनाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म है तो पहले इन दोनों टर्मों को सोल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। उसके बाद में जब ये दोनों टर्म सोल्व हो जाएगी, उसके बाद में इस इन्वर्स को सोल्व करेंगे, इस इन्वर्स को भी सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में इस डिवीजन को सोल्व करेंगे, डिवीजन को सबसे लास्ट में, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सो द सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, 3/1 to the power -1, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 कंसिडर किया, 4/1 to the power -1, और ये वाला जो ये और ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ बना दिया, इस ब्रैकेट की पावर -1 है, -1 डिवाइड बाई 5 to the power -1। इस -1 को भी +1 बना दे, पहले 5 के अपॉन में 1 कंसिडर कर लेते हैं, power -1। नेक्स्ट स्टेप देखो, बची हुई है अभी तक, ठीक है, और ये तो +1 कर ही दिया इसको तो। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, इनका एलसीएम ले लिया, पहले इसको पूरे सोल्व करेंगे फिर इन्वर्स सोल्व करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 डिवाइड बाई 3 4, 4 into 1 4, प्लस 12 डिवाइड बाई 4 3 3 into 1 3। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना है, ये ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के ऊपर इन्वर्स है तो इन्वर्स एज इट इज, डिवाइड एज इट इज, 1/5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस, अब आपको क्या करना है, 4 + 3 7/12 to the power -1 डिवाइड बाई 1/5। अब इस -1 पावर को भी आपको प्लस में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल करके। तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस, 7/12 जो है वो माइनस को प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/7 हो जाएगा, to the power -1 की जगह +1, +1 का मीनिंग क्या, इसको वन टाइम लिखना, तो 1 time लिखा हुआ डायरेक्ट, एक स्टेप क्यों ज़्यादा करें, और डिवीज़न को मल्टीप्लाई बना देते हैं और आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवीजन को सोल्व करने का यही तरीका। तो 1/5 को 5/1 बना दिया लाइक दिस। अब देखो, 12/5 = 60/7 = 7, सो 60/7 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करा हुआ है अपन ने, क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ब्रैकेट 1/3 to the power -3 -1/2 to the power -3 अगेन ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ऑफ 1/4 to the power -3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
इस तरह का कुछ क्वेश्चन दे रखा। सबसे पहले तो ये देखो, ये ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में दो टर्म है, तो माइनस को पहले प्लस कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखो, इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। 3/1/3 है तो ये 3/1 हो जाएगा। 3/1 मतलब 1 अपॉन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि, और माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी। अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराएंगे वही नंबर आएगा, दैट्स ऑल। माइनस एज इट इज़, इसको भी 1/2 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 हो जाएगा। 2/1 मीन्स 2, तो 2 ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। माइनस 3 की पावर प्लस 3 हो गई, दैट्स ऑल। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़, डिवीजन एज इट इज़, इसको भी रेसिप्रोकल कर देते 4/1 तो 4 ही आ जाएगा, 4 की पावर प्लस 3 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस, 3 to the power 3, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1, 2, 3, माइनस 2 को भी 3 टाइम्स, 2, 2, 2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई। अब देखो एक काम करते हैं, डिवीजन है इसको भी एक बार ऐसे ही रख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करना चाहिए, 3 3 9 9 3 27, माइनस 2 2 4 4 2 8, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते और आगे वाला नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे वापस 1/4 हो जाएगा, 1/2 4 to the power 3। नेक्स्ट देखो क्या करना चाहिए, 27 - 8 कितना हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 को 3 टाइम्स लिखो, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, सो द फाइनल आंसर विल बी, ऊपर तो 19 है, 19 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में 4 3 टाइम्स है, 4 4 जे 16, 16 4 जे 64, सो 19/64 विल बी द आंसर, 19/64 ऑप्शन ए इज करेक्ट। Yes. So the next question will be question number 8, देख लो वैसे तो easy है, कर रखा अपन ने exercise में, but फिर भी big bracket, middle bracket, small bracket, -1/2, small bracket close to the power 2, middle bracket close to the power -2, and big bracket close to the power -1, इस तरह का क्वेश्चन है। तो पावर, पावर के ऊपर और पावर, पावर के ऊपर और पावर, तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है, तो मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तभी पॉइंट्स बताए थे कुछ कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो द सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, -1/2 to the power 2 into -2 into -1, 2 into -2 into -1, सो द आंसर विल बी -1/2 to the power 2 to the 4, 4 1 4, 4 ही आएगा, और नेगेटिव के साइन 2 है, 2 नेगेटिव के साइन है, 2 इज एन इवन नंबर, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव। -1 to the power 4, इसका मीनिंग क्या है, -1 को -1/2 को 4 टाइम लिखो, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 एंड लास्ट वन -1/2, सो द फाइनल आंसर विल बी 1 1 1 1 1 1, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, और नेगेटिव साइन कितने हैं, 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, सो 4 इज एन इवन नंबर, सो द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव ही है डिफॉल्टली, सो 1/16 विल बी द आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन देखेंगे, question number 9, द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। उसके लिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, 7/12 to the power -4 multiplied by 7/12 to the power 3x equals to 7/12 to the power 5। ओके okay. इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। मैंने क्या बोला था, देखो इसको बोलते बेस, इसको बोलते पावर, बेस पावर, बेस पावर, पहले इनको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो बेस बेस दोनों के सेम है,
और बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है और बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर एड हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 7/12 की पावर कितनी हो जाएगी, -4 + 3x, इसको और इसको ऐड करना, तो बीच में प्लस लगा दिया, ये इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अगर यहाँ डिवीजन होता तो सबस्ट्रैक्ट होता पावर, और मल्टीप्लाई है तो ऐड होती है, इक्वल्स टू इधर एज इट इज 7/12 to the power 5। इसमें कोई चेंजेज नहीं है अभी तक, आगे करते हैं कुछ नेक्स्ट। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बेस सेम है, 7/12 बेस सेम है और बीच में इक्वल लगा रखा है, इसका मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इक्वल कब होंगे, बेस तो सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम, तभी तो इक्वल होंगे, सब चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, बेस बेस के सेम इक्वल होना चाहिए, पावर पावर के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो वैल्यूज इक्वल होती है। सो बेस बेस तो इक्वल है तो पावर भी पावर के इक्वल होगी, मतलब ये पूरी पावर इसके इक्वल होगी। सो वी कैन राइट दैट -4 + 3x = 5। ठीक है, अब क्या करना चाहिए बच्चों, जिस x की वैल्यू निकालनी है ना, x इज ए वेरिएबल, x की वैल्यू नहीं पता आपने को, तो जिसकी वैल्यू नहीं पता होती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल है ये, अब वेरिएबल की जब भी वैल्यू निकालनी है क्या करो, वेरिएबल को एक साइड में रखो, अकेला रखो उसको, अकेला रखो पहले, तो अकेला मतलब वेरिएबल के साथ में, ये एक टर्म है वेरिएबल की और ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो 4 है दिख रहा है अपने को, तो इसको उधर लेके जाओ, वेरिएबल को एक साइड अकेला इधर ही रखना, अकेला सिंगल 5 एज इट इज, ये -4 है। जब भी कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है और उस और इधर प्लस माइनस के साइन होते हैं तो साइन चेंज होता है, तो -4 है वो उधर जाके +4 हो जाएगा, 3x = 5 + 4 = 9। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ में ये 3 और x के बीच में कौन सा साइन है, जब कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का नंबर अगर उधर जाता है तो डिवीजन में जाता है। देखो प्लस माइनस का कोई नंबर अगर साइड चेंज करता है तो साइन चेंज होता है, अगर कोई प्लस माइनस का जो नंबर है, प्लस माइनस में अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये प्लस माइनस में इक्वेशन दे रखी है, तो अगर मैं कोई नंबर इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ, या फिर कोई नंबर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ, कब, जब प्लस माइनस में इक्वेशन दे रखी हो, तब क्या होता है, उस नंबर को ट्रांसफर करने पर उसका साइन चेंज होता है, तो -4 से +4 हो गया, बट ये साइन चेंज तब होता है जब प्लस माइनस में हो, जब मल्टीप्लाई में हो तो डिवीजन में चला जाता है। जैसे 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब मेरे को तो 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को तो क्वेश्चन में बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो x की वैल्यू चाहिए तो 3 को कहीं कहीं उधर उस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो अगर 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो उधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी x = 3 से 9, कितना टाइम कैंसिल होता है, 3 times, तो x = 3, 3 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। Now the question number 10. If 2 to the power 3x - 1 + 10 = +10, bracket close, divided by 7 = 6. Then find the value of x. Then x is equals to what? X की वैल्यू पूछी, ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कुछ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करना चाहिए, ब्रैकेट में क्या सोल्व करें, अब 2 to the power समथिंग है, अपने को नहीं पता क्या है, प्लस 10, तो ऐसा थोड़ा कर सकते हैं कि 2 + 10 = 12 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे इसलिए नहीं हो सकता कि 2 की पावर कुछ ना कुछ है, तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर ये अब सोल्व करने के लिए तो वैल्यू नहीं पता 3x - 1 कितना होता है, सो हम क्या करें, सबसे पहले बच्चों 2 to the power 3x - 1 + 10 है ना, प्लस 10 है, इसको डिवाइड कराना है 7 से, तो डिवाइड ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में, तो डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू कितना गिवन है, 6। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चीज़ होती है सीएम, मैं बता ही चुका हूँ पहले, अब जब भी कोई नंबर डिवीजन में हो या मल्टीप्लाई में हो
तो उल्टा हो जाता है। मैंने बताया था पिछले वाले केस में, यहाँ पर मैंने लिखा था 3 और x मल्टीप्लाई में थे तो 3 डिवाइड में चला गया, तो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, और अगर डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में चला जाता। तो अभी 7 जो है डिवीजन में है, तो उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ऐसा समझ लो। तो 6 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 7 जो 42 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, 2 to the power 3x minus 1 plus 10 equals to 42 बचा है। अब क्या करना चाहिए, वेरिएबल कौन सा है, x, तो अभी क्या करना चाहिए, वेरिएबल को सिंगल करना चाहिए, अकेला करना चाहिए, वेरिएबल के साथ वाली टर्म को अकेला, उसके अलावा जो टर्म्स है उनको दूसरी साइड ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये तो वेरिएबल वाली टर्म है, ये वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, तो इसको उधर ट्रांसफर करते हैं। सो 2 to the power 3x minus 1 equals to 42 एज इट इज़, और प्लस के 10 है उधर जाएगा तो माइनस के 10। कुछ बच्चे पूछेंगे इसको डिवाइड में क्यों नहीं भेजा, मैं वापस बोल रहा हूँ, जब कोई नंबर प्लस माइनस में है तो वो साइन चेंज होता है, जब मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है, जैसे यहाँ डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया, जबकि यहाँ कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ प्लस माइनस है तो साइन चेंज होगा, प्लस वाला पाई 10 है तो माइनस 10 हो जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस, 2 to the power 3x minus 1 equals to 42 minus 10 कितना हो गया, 32। अब इस स्टेप को आगे और देखते हैं। अब क्या है, अब देखो इधर बेस कितना है 2 और पावर कितनी है 3x minus 1, ये पावर है, इधर बेस 2 है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में जब अपन ने सोल्व किया था तो इधर और इधर का बेस सेम था, तो हमने पावर को इक्वल कर दिया। तो अब इधर बेस 2 है तो इधर भी अगर बेस 2 कर दें तो मज़ा नहीं आ जाए, तो बेस 2 कैसे करेंगे, तो 2 की पावर कुछ न कुछ लिखेंगे इसको, 32 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर कितना इक्वल्स टू 32, अभी देखते हैं। सो इधर से लिखा 2 to the power 3x minus 1 equals to 2 to the power 5, 2 to the power 5 32 के इक्वल होता है, नहीं समझ में नहीं आया, 2 to the power 5 32 के इक्वल कैसे होता है, तो आप एक काम करो 2 to the power 5 जो है तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आता है, 2 2 2 2 2, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32, तो 32 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, 2 to the power 5 means 32। ऐसा 2 की पावर में क्यों लिखा, क्योंकि इधर बेस 2 है तो इधर भी मेरे को बेस 2 करना है, इसलिए मैंने सोचा कि ये किस 2 की पावर कितनी हो जाए ताकि आंसर 32 हो जाए, तो 2 की पावर 5 हो जाए इसलिए आंसर 32 हो जाए। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर सकता हूँ मैं, सो द 3x minus 1 equals to 5। अब क्या वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल के साथ वालों को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे, 3x equals to 5, प्लस माइनस में है तो माइनस 1 उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा प्लस 1, 3x equals to 5 plus 1 6, x equals to 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, सो द x विल बी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 तो इजी है, 2 by 3 to the power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर कितना होता है 1, सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी के बाद में 12 इजी है, 13 इजी है, 14 इजी है, अब मैं 15 और 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 3 6 7 4 0 3 6 7 1 2 3 4 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होगा ये पूछा है, देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है, सॉल्यूशन देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखता है, ए 1 digit 0.2 digit into multiplied by power something power, यस और नो, इस तरह का फॉर्मेट होता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, हमको 1 digit के बाद में पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट यहाँ चाहिए, अभी पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, छुपा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके पीछे पॉइंट है ऑटोमेटिक, 3 6 7 4 0, तो पॉइंट यहाँ है, तो इसको जंप कराए 1 2 3 4 5 6
सिक्स जंप कराना, तभी तो पॉइंट यहाँ आएगा, ताकि पॉइंट के बाद पहले एक ही डिजिट रहे। सो पॉइंट यहाँ लेके आएंगे, सो 3.67, और उसके बाद में दो डिजिट चाहिए तो दोनों डिजिट लिख दी। उसके बाद सारे लिखना चाहो तो सारे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power, 10 की पावर कितनी आएगी, कितना जंप हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो 6, 10 to the power 6। प्लस में क्यों आया, क्योंकि जब पॉइंट का जंप लेफ्ट से राइट होगा, राइट से लेफ्ट होगा, जब पॉइंट का जंप राइट से लेफ्ट होगा तो पावर प्लस में आएगी, और जब पॉइंट का जंप लेफ्ट से राइट होगा तो पावर माइनस में जाएगी। अभी यहाँ 3.67 × 10⁶ विल बी द आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये जो उल्टा वाला क्वेश्चन है, 0.00004 स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा इसका, वापस वही वाली बात है, पॉइंट्स के पहले अपने को एक डिजिट चाहिए, तो इस डिजिट तो यहाँ है तो पॉइंट को लगभग यहाँ जंप कराना पड़ेगा, तभी तो एक डिजिट रहेगी। तो सो सॉल्यूशन देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जंप चाहिए और पॉइंट यहाँ जाएगा। सो द 4.63 × 10⁻ कितने जंप हुए, लेफ्ट से राइट में जंप हो रहा है तो माइनस में आएगा, -5। 1, 2, 3, 4, 5 जंप हुआ, ओके। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, एक और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 0.00037 × 10⁴। इसको यूजुअल फॉर्म में सॉल्व करना, ओके, पावर 4 है, इसका मतलब अब आपको यूजुअल फॉर्म लेके आनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है ये, और इसको यूजुअल फॉर्म में लेके आना, यूजुअल फॉर्म मतलब नंबर में, ये दिस इज यूजुअल फॉर्म, ओके। सो हम क्या करें, 10⁴ का मतलब क्या है, चार जंप करा सकते हैं, पावर का पावर 4 है तो चार जंप हो सकता है, तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, तो पॉइंट जंप करेगा 1, 2, 3, 4, सो द आंसर विल बी 3.67। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, एक्सरसाइज एंड, और चैप्टर भी एंड हो गया, चैप्टर सेकेंड।